ऋचा राजपूत, आपको पित्रौदा से शिकायत है और समाजवादी पार्टी को इस बात से ना इस बात से शिकायत है कि भाई शरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रही कांग्रेस, हालांकि योगी जी ने कांग्रेस कहा, लेकिन उसकी शिकायत समाजवादी पार्टी कर रही है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी इस विषय में मुझे शामिल करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो आज विपक्ष इतना हायतौबा मचाया है, मुझे लगता है कि अब जैसे एक पहले चरण का चुनाव जा चुका है, अब इनको लगता है कि केवल 6 चरण बचे हैं। विकास के मुद्दों पे तो इनके पास कुछ बात करने को रह नहीं गया, क्योंकि मोदी जी इतने विकास के काम कर चुके हैं जो जनता के बीच में जा चुके हैं। तो अब जो इनका एक फोर्टे है, जिसके ये एक्सपर्ट है, विभाजन करो और राज करो, मतलब 80% में को बांट दो, 20% को गले लगा लो, उस पे ये काम कर रहे हैं। और उसके चक्कर में ये नहीं सोच रहे हैं कि कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। अगर मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम पूछ लूं तो ये बता नहीं पाएंगे। जहां पर कांग्रेस का जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में, वहां पर 17 सीटें लेके बैठे हैं। भाई साहब, मैनिफेस्टो लाने का मतलब तब है जब वो जमीन पे उतारा जाए। आज आपके प्रत्याशी बूथ पे बस्ता लगाने के लिए तो मौजूद नहीं है। अभी एसी के कमरे में मैनिफेस्टो तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जब एक किसान अपनी फसल काट के जाता है तो वो ये देखता है कि जब दोपहर में आराम करके शाम को हम अपनी बहू बेटी के साथ लौट रहे हैं तो हम सुरक्षित लौटे, तो उसे लगता है सरकार हमारी अच्छी है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि नहीं, हमने वो बात पहुंचा दी कि अल्पसंख्यक को देंगे, बहुसंख्यक को देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनका मैनिफेस्टो गरीब जनता को, जो सच में मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहा, उसे जरा भी प्रभावित करेगा। अब प्रभावित किसको करेगा? इनका जो ये मैनिफेस्टो है वो मुख्य रूप से दो रूप से, एक युवाओं को और एक महिलाओं को भयंकर तरीके से प्रभावित करेगा। 2014 से पहले किसी ने स्टार्टअप का नाम नहीं सुना था। एक शब्द होता है यूनिकॉर्न। जब भी कोई कंपनी 1 अरब से ज्यादा का व्यापार या अपना एक लेवल बना लेती है तो वो यूनिकॉर्न कंपनी में आ जाती है। और 2014 के बाद से लगभग 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। और ऐसा तो नहीं है कि इस पे कोई बाहर के भूत प्रेत काम कर रहे होंगे, जैसी बात है कि अपने भारत के लोग काम कर रहे हैं। तो जिस युवा ने एक मध्यम परिवार से उठकर आईआईटी में पढ़ाई करी, आईएम का एंट्रेंस निकाला, 1 करोड़ का पैकेज पाया, एक गाड़ी खरीद ली, घर बनवा लिया, आज अगर आप उससे ये कहोगे कि मेरी माँ ने बर्तन धोके मुझे पढ़ाया, मैंने आईआईटी निकाला, आईएम निकाला, नौकरी करी, अब मैं तुम्हारी संपत्ति लूंगा और बांट दूंगा, और आप किसमें बांटेंगे ये बताइए? जब कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक था तब तो आपने उसके हक की बात नहीं करी, तब तो आपने उसको वहां से भगा दिया। ये चीज अच्छी है कि पहले घर में हमें एक पैर फंसा लेने दो, जब मेरा पैर फंस गया तो कह दो रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, चलो वो भी दे दिया। अब आप कह रहे हो नहीं, अब तो मकान हमें दो, तुम बाहर जाओ, ये तो चीज यहां बर्दाश्त नहीं होगी। और मोदी जी तो कहते हैं कि हमने तो बहुत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब उन लोगों को तो आपकी ये आर्थिक विभाजन का फायदा मिलने वाला नहीं है, तो फायदा किसको मिलेगा? जो आपके घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, जो आपके बांग्लादेशी हैं, ये पूरी तरीके से उनको फायदा देंगे। आप तीर वहां मार रहे हो और आपको लगता है कि समाज में किसान बढ़ जाएगा, युवा बढ़ जाएगा। एक गरीब लड़की जब शादी करके जाती है, बस एक मिनट, महिला का मुद्दा रख लीजिए, एक लड़की जब शादी करके जाती है, गरीब लड़की, तो उसके घर वाले उसे सोना देते हैं, रिश्तेदार अंगूठी दे देते हैं, और वो उसको बचा के इसलिए रखती है कि बुरे वक्त पे काम आएगा। अगर आप आर्थिक विभाजन करेंगे तो उसका तो वो सोना भी जाएगा। तो क्या गलत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप तो उसका मंगलसूत्र छीनने की बात करते हो? अगर आप मुझे समय दें, ठीक अभी दोबारा में आएंगे, फिर समय मिले तब तक नोट कर लिया करो, फिर दोबारा में आए तो अच्छे से बात, मैंने नोट करके रखे हैं, ठीक बात। संजय राणा, एक डेवलपमेंट और हुआ, केवल ऐसा ही नहीं कि केवल हवा हवाई है, कुछ जमीन पर घट भी रहा है, धरती कहीं तो डोल रही है, किसनी में कासगंज में ना डोल रही हूं, कर्नाटक में तो डोल रही है क्या? ठीक है, समाजवादी पार्टी के वाले लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तो सरकार है और अब तो रिश्तेदारी है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक नोटिस भेजा है कर्नाटक सरकार को कि आपने कानून और संविधान को बाईपास करते हुए मुस्लिम्स को ओबीसी वाली लिस्ट में कैसे डाल दिया और आरक्षण कैसे दे दिया मेडिकल में, क्या ये एक गंभीर संकेत नहीं है देश के लिए? क्योंकि हमारा संविधान धर्म आधारित आरक्षण को नख से शिख तक निषिद्ध करता है, किंतु परंतु नहीं, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, निषिद्ध करता है कि कतई संभव नहीं धर्म के आधार पर। संजय राणा,
अमिताभ जी बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा कानून, और यही बात योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कही है और कल अमरोहा में कही थी, परसों यही बात तो कही थी कि दलित और पिछड़ों का आरक्षण काटकर आप उधर देना चाहते हो। कर्नाटक में क्या हुआ एग्जैक्टली संजय राणा? बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात को थोड़ा 10-5 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। देखिए 2006 की बात है, जब पूर्व प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया था, आपको याद होगा, उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जो को रंगनाथन रिपोर्ट आई थी, इसमें बोला गया था कि 6% आरक्षण जो ओबीसी का काट करके मुसलमानों को दिया जाएगा नंबर वन। और अरे अभी संजय राणा क्या बात, अभी संजय राणा क्या बात, आएंगे प्रेम भाई आएंगे आप, अरे प्रेम नारायण जी, बाबू साहब इतना भड़को मत, शांत हो जाओ। हाँ। उसके बाद उन्होंने बोला था, उस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी 15% मुसलमानों को सरकारी जॉब में आरक्षण जाएगा, नंबर नंबर तीन आपने बता दिया। नंबर चार जो आपको याद होगा तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आंध्र प्रदेश में जब एक आंध्र प्रदेश होता था विभाजन के पहले की चर्चा कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने 4 बार प्रयत्न किया था कि ओबीसी का आरक्षण काट करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, और चार साल पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, चीज को मानने से मना कर दिया है। और महत्वपूर्ण बात, इसी कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बार अभी कुछ दिन पहले मठों से 400 करोड़ रुपए लेकर के इन लोगों को दिया है 300 करोड़ रुपया। ये बताइए हमसे लेकर के इनको क्यों दे रहे हो? इनका अगर विकास करना है या विकास सामाजिक विकास की चर्चा नहीं कर रहे, धार्मिक विकास करना है तो अपने धार्मिक चीजों से निकाला जाए। अब लोग बोलते हैं भैया हम तो पिछड़े हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत शोषित हैं। एक तरफ तो आप तो बोलते हैं आपने ताजमहल बनाया, एक तरफ बोलते हैं हमने कुतुब मीनार बनाया, और उसके बाद बोलते हैं हम बहुत गरीब भी हैं। या तो डिसाइड करना पड़ेगा, गरीब होगी कुतुब मीनार बनाए थे कि ताजमहल बनाए थे, तो दोनों नहीं चल सकता। इनके एक नेता बोलते हैं भैया ऐसा है कि मेरी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। हम तो अभी 30 सेकंड लीजिएगा, आज की अगर फर्टिलिटी रेट देख लें 2.36% है मुसलमानों की, और हिंदुओं की देख लीजिए तो 1.91% है। और ये आज से नहीं, आजादी के समय से इनकी जो ग्रोथ रेट है हमेशा 30% के ऊपर रही है, हमारी ग्रोथ रेट हमेशा 20% से कम रही है। और आप इसको देख लीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आज के समय ठीक है, अभी रुकना होगा संजय राणा, बस आगे बात ना आगे, अब रुक जाइए, रुकिए। प्रेम नारायण जी, कर्नाटक में जो दृश्य सामने आया वो संविधान के विरुद्ध है, ठीक, धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं हो सकता। जब जब कोशिश की गई देश के सर्वोच्च अदालत ने उसको टर्न डाउन किया कि ऐसा संभव नहीं। फिर अगर ये बात कही जा रही है कि हिंदू दलित और पिछड़ों को जो संविधान ने आरक्षण दिया उसमें कैंची मारकर कतर व्योत करके इधर आरक्षण देने की कोशिश हो रही है या होगी, तो ये फॉल्स इंप्रेशन तो नहीं है? कर्नाटक सामने है उदाहरण। प्रेम नारायण जी, नहीं, पहली चीज तो मैं एक निवेदन करूंगा आपसे अमिताभ जी, जी, जो विश्लेषणकर्ता आए हैं तो उनको थोड़ा सा बताइए कि विश्लेषण करें वो इस चीज का, काउंटर में इस चीज को लेकर के कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उनकी हताशा दिख रही है, गृह मंत्री बोल रहे हैं हताशा दिख रही है, बीजेपी के प्रवक्ता देख रहे हैं ठीक है राजनीतिक है वो अपनी बात काउंटर कर रहे हैं, ये कौन से विश्लेषण है भाई? 2006 के ये प्रधानमंत्री के संबोधन की बात कर रहे हैं, ये बहाने में भी प्रधानमंत्री के संबोधन दादाजी सुनिए पहले उस चीज को। मैं काउंटर चैलेंज के साथ बहुत बड़े चैनल में बैठ के बात जो आप कर रहे हैं मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ आप इस चैनल में क्लिप दिखाइए आप उस चीज को, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आप यहाँ दिखा रहे हैं कि आप एक उत्तम कोटि के चल चुंबक है, आप विश्लेषक नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरी चीज अमिताभ जी, जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण नौकरियों में पहले हमें जो प्रमाण पत्र मिलता है, क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी का आरक्षण जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है? मिलता है। और उसके बाद में क्या है यार, ये राणा जी कहां से आ गए आप उठ के? मैं कितने प्रमाण पत्र दिखाऊं मुस्लिम समुदाय के, ओबीसी के प्रमाण पत्र आपको कितने लोगों को दिखाऊं आपको? वही चीज है भाई, देखिए अजल गगरी छलकट जाए, जब तक आपको जानकारी ही नहीं है तो आप टीवी लाइन पर आकर के बैठ गए और टीवी के माध्यम से आप बता दो मैंने परम भक्ति की है। ओबीसी का आरक्षण मिलता है, ओबीसी का प्रमाण पत्र जब मिलता है तो उसमें ओबीसी में उन्होंने अप्लाई कर दिया, ओबीसी कोटे में उनका फॉर्म चला गया, इसमें कौन सी आपत्ति की बात है? अब राणा साहब कह रहे हैं, इधर ये कहते हैं हमने कुतुब मीनार बना दी, इधर हम कहते हैं कि हमने लाल किला बनवा दिया, ताजमहल बनवा दी, भाई तुम भी तो कहते हो ना
कि पूरे देश पे हमारा शासन रहा तो फिर कहां गए थे, फिर ये मुगल आए कैसे देश में, उसमें कहा फिर जाओ ना पीछे, कितने पीछे जाते हो, इस देश में मुगल थे नहीं ना, दलित पिछड़े तो राजा होते नहीं थे, आदिवासी तो राजा थे नहीं ना, राणा साहब थे राजा, फिर इस देश में मुगल कैसे। प्रेम नारायण जी ठीक, अभी आगे बात, आगे आगे नहीं नहीं, मैं अभी अनिचा जी की बात पे आगे बात। अरे भाई अभी एक ही बार इतना तो नहीं बोल सकते ना, आगे बात पॉइंट करेंगे, अमिताभ जी सवाल के जवाब तो दे दीजिए। तो अभी तक क्या कर रहे थे, चार लोग बैठे, चार लोगों की जवाब तो होंगे। अच्छा हमारी बहन कह रही थी, छोटी सी बात कह दे रहा हूँ, योगी जी ने इतना विकास कर दिया, योगी जी ने वो कर दिया, मेरी बहन ऋचा सिर्फ एक लाइन में पूछ रहा हूँ, डाटा डाटा तो आप लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर समिट हुए, आप एक का प्रमाणीकरण के साथ बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसने इन्वेस्ट कर दिया, रोजगार के कौन से आपने ठीक है ठीक साबित करवा लिए। जी ठीक है प्रेम नारायण जी, आगे जी आ गई, आ गई बात समझ गई, सरल भाषा में पूछा, हिंदी में कोई अंग्रेजी में तो पूछा नहीं, फारसी में कि दिक्कत है संबंध में डिक्शनरी को, समझ गई, आप जवाब देंगे जो देना होगा। 2000 ठीक, अरे रुक जाओ भाई, अब झिझक नगर इनकी आवाज बंद करिए, लगातार नहीं, 2014 से मैं कांग्रेस के मित्रों से एक निवेदन कर रहा हूं, 14 से आज 24 आ गई, 10 साल हो गए, बड़े बड़े नेताओं से निवेदन किया, टीवी पर भी व्यक्तिगत भी किया प्रेम नारायण जी, कि मनमोहन सिंह को लेके आप कहते हो ये गलत बयानी कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी से हलफनामा आप दस्तखत करा के मुकदमा करा दो ना इन लोगों के खिलाफ, कपिल सिब्बल घर के, चिदंबरम घर के, सलमान खुर्शीद घर के, सिंघवी घर के, अभिषेक, तुरंत मुकदमा ठोको, एक नहीं चार। आज तक पप्पू और गुड्डू के खिलाफ मुंसिफ के यहां भी मुकदमा लेके कांग्रेस नहीं गई। आप कह रहे हो कि आपके नेता को गलत उद्धृत कर रहे हैं लोग, मुकदमा कर दिए, कोर्ट में जवाब देंगे, और इनके खिलाफ संजय राणा के खिलाफ करने से तो प्रचार भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं आप जितने बड़े लोग कह रहे हैं उन सबके नाम से मुकदमा करो, साहस तो हो। सुब्रमण्यम स्वामी आप बीच में नहीं बोलो ना ना, ये तो कतई अलाउ नहीं हमारे यहां, सुब्रमण्यम स्वामी में साहस था, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा ठोका, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा ठोका, जमानत लेनी पड़ी, आपके पास वकील कम है, इनसे मांग रहे हो बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूं, इन्हें चुनौती देने से कोई लाभ है? अभिषेक मनु सिंघवी को कहो प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दायर करें तो समझ में आएगा, यहां मैं देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक आगे प्रेम नारायण जी बात आगे, आपने अपने अवसर पर कहा मैं ऐसे सुन रहा था, ऐसे देखो तो फिर तो धैर्य तो रखना होगा, चुनाव में भी तो धैर्य रखते हो 4 जून तक का, ऐसा तो है नहीं कि कोई छत से कूद पड़ेगा, 4 जून तक का रिजल्ट देख इंतजार से भी करेंगे। खैर तारिक खान एक नैरेटिव है देश में कि और कर्नाटक की आहट ने उसका एक वो दिया है, उसको स्पार्क दिया है उस नैरेटिव को, कि दलित और पिछड़ों को जो संविधान के तहत आरक्षण हासिल है उस आरक्षण से धर्म के आधार पर आरक्षण जो निषिद्ध है उस कोटे में उधर शिफ्टिंग करने की कोशिश होगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको इश्यू बना रही, कर्नाटक की आज जो स्थिति आई जिस पर राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग ने आपत्ति जताई, ये क्या मसला है और ये चुनाव को कितना प्रभावित करेगा कि हिंदू दलित और पिछड़े वर्ग को संविधान ने इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की थी क्योंकि हिंदुओं में जाति प्रथा थी हजारों साल से, बाकी धर्मों ने खुद कहा था कि हमारे यहां कोई जाति प्रथा नहीं, इसलिए संविधान सभा ने उनके केस को अपने नजर में नहीं लाए और निषिद्ध कर दिया कि भारत में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। तारिक खान ठीक है, 1 मिनट 50 सेकंड बोले थे राजनीतिक विश्लेषक, मुझे लगता है मेरे साथ भी न्याय किया जाएगा। नहीं आप 1 मिनट ना, आप 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट आप 1 मिनट ना ना, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, आप 2 मिनट 10 सेकंड बोलेंगे ठीक है। जो 4% का आरक्षण का मामला है कई राज्यों का, साउथ के कई राज्य, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी, उस पे इसलिए है 4% का रिजर्वेशन वहां चल रहा है। अब एक बात बताइए,
कोई आदमी अगर मुसलमान है साथ में वो बैकवर्ड भी है तो वो क्या अपना धर्म छोड़ दे? आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आरक्षण का प्रावधान किया जाए। कर्नाटक ने 92 में आयोग बनाया और उसके बाद हर स्टेट ने उन्हीं आयोगों की रिपोर्ट के हिसाब से रिजर्वेशन दिया। 14-17 जातियां मुसलमान, धोबी, शाह और उसमें तमाम किस्म के मुसलमान बैकवर्ड हो गए तो वो हिंदू कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाए, मुसलमान न रहे। मुसलमान होना उनकी गलती है क्या? अब जब उन 14 या 17 जातियों को, जिसमें सुन लीजिए तेलंगाना में क्या किया गया, पठान, सैयद, खां साहेब जो मैं हूं, इनको हटा दिया गया, छोड़ दिया गया, तेलंगाना में ये किया गया। जब रोक लगी और जब ये किया गया तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ठीक है, अभी इस्तीफे दे रहे हैं, आप इसको चलाइए, जब निर्णय आएगा तब करेंगे इसका फैसला। बाकी वीआरएस जो जो यहाँ के पुराने मुख्यमंत्री थे तेलंगाना के, वो तो 12% करने कह रहे हैं। किसी का रिजर्वेशन कम नहीं किया गया है। ये क्या है, ये क्या है पता है? जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है कि जो ओबीसी में वर्गीकरण कर दिया है उसी वर्गीकरण का अधिकार स्टेट को दिया जाता है कि आप चाहे तो अपने जो जो आपका ताना बाना है, सीलिंग है 50% की, वो क्रॉस ना हो, आप वर्गीकरण कर। तो वो जो 27% था उसी में चुनिंदा मुसलमान की जातियों को रिजर्वेशन दे दिया गया। अब इसमें क्या गड़बड़ है? अगर मुसलमान है वो आदमी 14-17 जातियां तो वो हिंदू बन जाए क्या? पहले कन्वर्ट हो जाए या मुसलमान धर्म छोड़ दे? अगर ऐसा कहीं संविधान में लिखा है तो वाली धारा बता दीजिए, तो मैं तेलंगाना में फोन करके सबको बता दूंगा कि ऐसा है कि इस्लाम धर्म छोड़ दो, अमिताभ जी ने कहा है, वरना आरक्षण नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात? जब संविधान कह रहा है इस बात को कि रिपोर्ट आधारित होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। ठीक, और दो मिनट आपकी आवाज बंद कर दीजिए, दो मिनट 11 सेकंड निर्वाध रूप से तारिक खान जो बोलना चाहते थे बोल लिए, इसलिए अब आवाज इनकी बंद हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा था 1 मिनट 90 सेकंड ऐसा कुछ बताया था कि हमको उनसे ज्यादा बुलवाया जाए। संजय राणा से काफी ज्यादा निर्वाध रूप से तारिक खान को अवसर मिला बोलने के लिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, बाकी गूगल पढ़ेंगे सब लोग, देखेंगे, जानेंगे, धर्म आधारित आरक्षण भारत में संभव नहीं। ठीक, ये फिर समझ लो, किसी पार्टी में रहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के, उत्तर भारत के विशेष तौर पर पिछड़े और दलित इस बात को समझेंगे कि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी कह रही है, अभी नहीं आई आवाज, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी कह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण में मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलेगा, वो क्या धर्म बदल ले? ठीक बात है, पिछड़े सुनेंगे, उत्तर प्रदेश के पिछड़े सुनेंगे कि मुलायम सिंह की पार्टी कह रही है कि वे पिछड़ों और दलितों के लिए जो आरक्षण संविधान ने दिया उसमें ही मुसलमान एडजस्ट होंगे, और उसको संविधान का नाम दिया जा रहा है कि संविधान कहता आयोग की रिपोर्ट से, संविधान में तो आयोग का जिक्र ही नहीं है। भारत में संविधान, संविधान क्या है? संविधान में कहां लिखा गया कालेरकर कमेटी और रंगनाथ कमेटी और सच्चर कमेटी, ये संविधान में लिखे क्या? ये तो समय समय पर जो सरकारें आई उनका जो पॉलिटिकल व्यू था उसका परिणाम है मित्र। संविधान को 10वें के इतिहास की कुंजी तो ना बना दो कि इतिहास के पर्चे कुंजी जैसे पहले बिकती थी। संविधान कुछ बड़ी चीज है, दूसरी चीज है, बुनियादी चीजें हैं उसमें।